नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। मेरे हाथ में एक पीले रंग का कागज़ है। ये कागज़ कोई सामान्य कागज़ नहीं है। आज बात इसी कागज़ को लेकर, ये तमाम एक्सपर्ट इसी कागज़ पर मंथन कर रहे हैं और दो गज दूरी के बाद जो वक्त आया है उस वक्त को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन युवा बेरोजगारों के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं जिन्होंने इस दो साल में पढ़ाई के साथ अपना बहुत कुछ खो दिया। आज बात इन्हीं की, किस तरीके से इस पीले कागज़ के मौजूदगी के बाद उनका भविष्य संवरेगा, आज हम बात इसको लेकर करेंगे। बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की अवधारणा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के तारतम्य में इस तरह के कैरियर अवसर मेले या रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। लगभग प्रति माह ऐसा सिलसिला चल रहा है। इसी तारतम्य जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ये मेले आयोजित किया गया है। इस मेले में लगभग 9 कंपनियों ने भाग लिया है और इस मेले की जो मुख्य विशेषता देखी जा रही है कि इसमें लोकल कंपनियों को ज़्यादा इनवाइट किया गया है, जिससे कि हमारे स्थानीय विद्यार्थी या युवा इसमें भाग लें और अपने को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य सक्षम हो जाए। पढ़ाई के बाद आत्मनिर्भरता की बात, इसका मतलब है संपूर्ण तरीके से पूरी बातचीत। युवाओं को पहले हम पढ़ाएंगे, उसके बाद हम रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। TRS कॉलेज की प्राचार्य अर्पिता अवस्थी जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। किस तरीके से रोजगार और पढ़ाई एक महत्वपूर्ण चीज, इसको थोड़ा सा आप। जैसा कि अभी आपको सर ने बताया कि हमारे यहाँ पर जो छात्र पढ़ रहे हैं तो छात्र पढ़ने के बाद भी रोजगार ले सकते हैं। और इस बार के मेले में ये हम लोगों ने किया है कि बच्चों के लिए कुछ इस तरह के जॉब ऑफर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी ये कार्य कर सकते हैं। तो पढ़ाई के अवज जो हैं उसमें वो यहाँ आकर के पढ़ाई करेंगे और शेष जो उनका अतिरिक्त समय रहता है उसमें वो यहाँ पर आकर के रोजगार मेले में आकर उस तरह के जॉब्स अपने लिए ले सकते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ वो कर सकते हैं। पढ़ाई के आवर्स के अलावा जो समय बचता है उसमें ये काम कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अगर रोजगार भी उपलब्ध हो जाए तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। चूँकि मेडिकल साइंस सारे कॉलेज रीवा में उपलब्ध हैं, हमारे साथ दो ऐसे शख्स भी मौजूद हैं जो खाली TRS कॉलेज का ध्यान नहीं रखते, पूरे रीवा शहर या यूं कहें आसपास के युवा बेरोजगारों का ध्यान रखते हैं। ये बताइए, किस तरीके से आप बेरोजगारों का ध्यान रखते हैं? अभी हम लोगों ने क्या किया है कि सभी वर्टिकल के लोगों के लिए वैकेंसी सर्च करने का प्रयास किया है, जिसमें बैंकिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, IT हो गया, इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, तो सभी सेक्टर में हम लोग नौकरियां दे रहे हैं। आज भी हम लोगों ने करीब करीब 300 के आसपास अभी तक का जो आंकड़ा है मोटा मोटा तो हम लोगों ने किया। मैं आपको बीच में रोकूंगा। सवाल ये है कि जैसा कि आप रीवा में सारे कॉलेज हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, TRS, कॉम, मतलब सारे अमूमन सारे कॉलेजेस रीवा में हैं, तो जो आप मेला लगाते हैं ये सबको दिमाग में रखते हैं कि खाली उन लोगों पर ज़्यादा फोकस है जो आर्थिक रूप से कमजोर है? नहीं, ये तरह के लोगों का ध्यान देते हैं और विशेष फोकस होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर हमारा फोकस है, हालांकि हम सब पर ध्यान रखते हैं। हमारे साथ अब एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो काफी अरसे से लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने साथ ही लगातार सक्रिय रहते हैं। मेरा आपसे ये सवाल, आज आपने कौन सा अचीवमेंट किया? आज जैसा कि पांडे साहब ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन की जो मंशा है कि अधिक से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिलाया जाए, रोजगार के साथ साथ ये भी है कि उनको स्वरोजगार भी उपलब्ध कराया जाए उनकी मैंने योग्यता और उनकी इच्छा के अनुरूप। इसी क्रम में जो मध्य प्रदेश शासन की जॉब फेयर योजना है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन में समस्त समाहित हैं, उच्च शिक्षा विभाग है, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार विभाग हैं, और इसके तहत जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में, कलेक्टर साहब के निर्देशन में आज मैंने जिला प्रशासन के साथ रोजगार कार्यालय, उच्च शिक्षा विभाग
यशस्वी ग्रुप के द्वारा आज संयुक्त रूप से इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। जैसा कि अभी आप देखे होंगे 13 अगस्त को भी इसी कैंपस में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 1008 युवाओं को ऑफर लेटर प्रदाय किए गए थे। चूँकि इसी क्रम में ये अनवरत क्रम है, एक तरह से कहा जाए शासन की अनवरत क्रम है कि रोजगार मेला लगभग प्रत्येक माह आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में आज हम लोगों ने किया, जिसमें 8 कंपनी भाग ले रही हैं और अभी तक 474 लोगों का पंजीयन हो चुका है और लगभग 325 के आसपास जो है मैंने युवाओं को ऑफर लेटर प्रदाय किया गया है। काफ़ी लोगों को हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं और हमने ठाना है जब तक मैं इस काम को देख रहा हूं तो निश्चित रूप से उन बेरोजगारों को रोजगार के अवसर जरूर उपलब्ध कराऊंगा जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार का भी पेट पालने का प्रयास करने की तरफ से एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो दो कदम हम आगे बढ़ के उनको रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। कुछ इस तरीके से कहना था अनिल दुबे जी का। हमारे साथ अब मैं कार्यक्रम का समापन करूं, उसके पहले यहां TRS कॉलेज के एक वरिष्ठ प्राध्यापक कॉमर्स विभाग के मौजूद हैं। ये बताइए, एक इन सब से हटकर मेरा एक अलग सवाल है, कॉमर्स और रोजगार किस तरीके से आप यहां पर इन दोनों को टाई अप करते हैं? निश्चित रूप से कॉमर्स वाणिज्य में सबसे ज़्यादा छात्र आते हैं और समाज में ये अवधारणा है कि वाणिज्य के छात्र जो है प्रोफेशनल एथिक्स उनके अंदर अपने आप आ जाती है, क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स उनको पढ़ाया जाता है और वो जब जॉब में जाते हैं और ख़ासतौर से प्राइवेट सेक्टर के जॉब में जाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनको अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, उनको अलग से किसी तरह से वो नहीं, तो सीधे जॉब उनको दे दिया जाता है तो बहुत अच्छा उनका फीडबैक रहता है और बहुत अच्छा काम करते हैं बच्चे कॉमर्स के। बच्चे कॉमर्स में मैंने एक एक करके सारे विभागों से बातचीत करने की कोशिश की, आज हमारा प्रयास था कॉमर्स विभाग से हम कार्यक्रम का आगाज समापन करें। साथ ही मैं न्यूज नेटवर्क की ओर से रीवा के बेरोजगारों से ये भी अपील करूंगा, अगले हर महीने लगने वाले रोजगार मेले में वो जरूर भाग लें, अपना मनपसंद व्यवसाय चुनें, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमारे साथ ये जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो टीम देख रहे हैं ये हमेशा मौजूद रहेगी। तब तक अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त, अगले रोजगार मेले में हम एक बार फिर आएंगे और देखने समझने की कोशिश करेंगे इस बार रोजगार मेले का एक महीने बाद किस तरीके से हाल है।